हमारा केटल छोटा पड़ गया जैसे हमें लग रहा था वैसा ही हुआ है। तो डाल हो गया, लग रहा खिचड़ी बन गया है भाई। ऐसे गूगल में तुम्हारा प्लेसमेंट होगा। ये चेक करो, साला भाग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हर बार की तरह आज भी लेट जा रहे हैं जबकि आज हमारा एग्जाम है। चला पढ़ो लिखो थोड़ा, चलो पढ़ा लिखा हूँ लेकिन लेट हो, इतना हम लोग पढ़ते हैं ना कि लेट हो जाते हैं। बताओ हमारा इंटर्म चल रहा है, हम उसमें भी लेट जा रहे हैं, लेकिन आज का जो एग्जाम है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे क्या होगा, ये एग्जाम देने से क्या होगा, सेक्शन डिवाइड होगा बस। ये एग्जाम बेसिकली इसलिए लिया जा रहा है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज सारे। और इससे क्या होगा ना, जो हम लोग को पढ़ाया भी नहीं होगा उसको इसमें ज़्यादा नंबर जिसका आएगा ना, इससे सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। अच्छे बच्चों को एक तरफ किया जाएगा, हमारे जैसों को एक तरफ किया जाएगा। तो इसीलिए ये एग्जाम जा रहे देखने तो देने, तो इसमें ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें नंबर नहीं लाना। चलो भाई जल्दी चलो, साला जल्दी भागो, जल्दी भागो, निकाल गाड़ी, हम भगाओ। सुबह से एक दाना भी नहीं खा, एक अभी लेट उठे ना, अभी उठे, एक बजे से हमारा एग्जाम था, 12:30 में हम उठे क्योंकि 2-3 दिन से सोए नहीं थे भाई, इतना पढ़े थे। आज जाके पहले नींद पूरा किया, 12:30 में उठे, आधा घंटा में पहुंच गए क्लास। अब खुद छुट्टी होगा हमारा 4 बजे, तो अब सीधा खाएंगे 4 बजे। 2 से 4 है हमारा एग्जाम। अंजलि वेट कर रही है, चलो जल्दी आओ आओ आओ, ऐसे भी चलेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, अगर आपको हमारे कॉलेज के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए, या फिर आपको एलक्यूनेस्ट का डिस्काउंट कूपन चाहिए, या फिर अगर आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और आपको फी कैसे कम करवाना है, आपको मतलब कोई भी आपका क्वायरी है हमारे कॉलेज के ऊपर या फिर अदर कॉलेज के ऊपर भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसे आप फिलअप कर दो, आपको सारा इंक्वायरी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है और एक कॉलिंग नंबर है, अगर आपको कुछ व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल करके पूछना है तो वहां भी पूछ सकते हो। और ये जो इंक्वायरी है ना, ये आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपके 1 रुपए भी नहीं लगने वाले हैं। अगर आप एल्प्यूनिस्ट का डिस्काउंट कूपन भी चाहिए तो नीचे फॉर्म में भर दो, आपको एल्प्यूनिस्ट का डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। अगर आप भरते हो तो आपका बस एल्प्यूनिस्ट का जो 1000 रुपए फी है ना, वो 500 रुपए लगेगा बस, वो आपको पे करना होगा वो 50% ऑफ होने के बाद। जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म भी भर दो और नीचे नंबर भी, आप चाहो तो SMS या फिर कॉल भी कर सकते हो। एग्जाम हो गया हमारा खत्म, अब हम जा रहे हैं बाहर सभी का वेट करने। अच्छा गया उसका, अच्छा गया ऐसे, अच्छा गया मतलब अंजलि बगल में बैठी कैसे कर रही है, देखते रहना टीचर को। देखा है पेपर हो गया हमारा, वो वाला तो कर लिए सब। देखो इसका पेपर अच्छा गया, मेरा खराब गया, अब सेक्शन चेंज हो जाएगा हमारा। हम क्या सोचे, चलो फिर खराब कर दिया। क्या सोचे थे कि अगर मेरा एग्जाम खुलेगा खाली सी मार के आएंगे हम, भी यही सोचे थे हम लोग, खुला ही नहीं। हम सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, दे बैठोगे ना तब पता, एमसीक्यू का नहीं पता भाई, एमसीक्यू सुबह से कुछ नहीं खाया। दे दे दे, दो ककड़ी देना। कहाँ से लाए तुम, नमक इसमें छिटो। अरे नमक नहीं गिराना चाहिए पगला, बिहार का बहुत ज्यादा, ये भी बिहार का ही है, हमको पता है, पता है। ये अच्छा जुगाड़ है, वो लोग कहाँ गए, हम तुम्हारे पास राज अच्छा है ना, तुम्हारा दुकान हाँ। तुम्हारा दुकान हराम का है ना, तो अच्छा ही रहेगा। कोई ना कोई इसका मुर्गा फंस जाता कोक पिलाने के लिए, या तो हम कौशिक या तो ये। अरे हम खिलाते उस दिन वीडियो नहीं बनाता है, बात हो जाता। रोज वीडियो एक डालते हैं तो समझ जाओ कहिए। अच्छा पेपर हमारा 4 तक था ना, हम 3 बजे निकल गया, टॉपर लोग हो ना इसीलिए, टॉपर है ना, 3 बजे निकल गया था। पेपर हमारा बहुत खराब गया साला, इन लोगों का अच्छा गया, हमारा खुला ही नहीं। इसका तो पेपर खुला ही नहीं भाई, नसीब देखो, ये क्या था एग्जाम देने, ऑनलाइन होता है ना, इसका खुला ही नहीं। और बाबा का अच्छा गया, बगल में अंजलि थी, बगल में अंजलि, अंजलि और इसका सेम क्लास में था, वो पढ़ने वाली, पढ़ने वाली अरे कैसे भी, हम अकेले बैठे थे, मेरे बगल में मूसा बैठ गया था, 10th GPA मूसा, और अब समझ जाओ साथ नहीं छोड़ेगा, अब समझ जाओ हम मेरा कैसा जाएगा। इसीलिए हम 3 बजे ही हम लोग निकल गए, अब हम सोच रहे कहाँ जाने का मालूम है, अपने मेस में कहाँ जा रहे हैं हम लोग, फ्राइड राइस खाने जा रहे हैं, ये फ्राइड राइस खाएगा ना, ये पंडित है। कितना दिन बाद घर, 15 दिन बाद सीधा घर। साला 2 घंटा से हमारा वेट करवाया, 5 बज गया, 5 बजने वाला है, अब हम जा रहे हैं बाहर, आते आते 8-9 बज जाएगा, नहीं बज जाएगा। आम दिनों में ये बहुत भरा रहता है, लेकिन आज देखो कितना खाली है। चेकिंग रूम में यहाँ चेक होता है तभी बाहर जा पाओगे।
अब हम आजाद हो चुके हैं, अभी हम अपने कॉलेज के बाहर। शांति चलेगा, 20 रुपए का तो पैसा कौन देगा खिला, साला भीख लगता है मांगने। यहाँ बैठेगा तो साला ऑटो ला तुमको। देखे आप लोग कुछ दिनों बाद अपने कॉलेज को बाहर जैसे दिख रहा है। दिन में यहाँ से गाड़ियाँ का लाइन ही नहीं रुकता है भाई। देखो दिन में हम लोग शायद पहली बार आ रहे हैं ना बाबा, कितना महीना बाद। हम लोग को छुट्टी रात में ही मिलता है तो हम लोग रात को ही आते हैं। ये देखो फ्राइड राइस खा रहा बेचारा पंडित है ना, इधर तीनों जगह बिरयानी। गौसी बहुत अच्छा आदमी है, पहले हम लोग अंडा करी भी खिलाया, बिरयानी तो खिलाए, अब देखो पेप्सी भी खिला रहा है। पेमेंट तो तुम करोगे और क्या। ये 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 चेक करो, साला भाग रहा है, बढ़िया सुनिएगा। नाम बोलो। नाम बोलो भाग गया, चेक करो भाग रहा है, देखिए चेक करो यार। बैक टू आ गए अपने हॉस्टल। चढ़ा दीजिए ना रे। ले टूट गया साला, आईडी कार्ड तोड़ दिया। तुमने मेरी जिंदगी तोड़ दी, ये गया डिस्ट्रॉय। पैसा बहुत है ना इन लोगों के पास, इसीलिए फेंक रहा है। इन लोग के पास नहीं, राज के पास। तुम्हारा टूटेगा राज के पास, राज नहीं देगा पैसा। हम लोग ऐसा जगह घूम रहे हैं ना, यहाँ हम लोग आज तक नहीं आए। देखो ये कौन सा है, डिजाइन फैशन। इधर आज तक नहीं आया, इधर भी सुना है कोई एक ग्राउंड है, इधर भी एक ग्राउंड है ना, पता नहीं इधर क्या है। हम लोग जा रहे घूमने, देखो फैशन डिजाइन तो लिखा है। हमारे साथ स्कैम हो गया, इधर कोई बताया था कि इधर ग्राउंड भी है, तो मेन हाईवे पे आ गया। अच्छा ये भी फैशन डिजाइन का, गार्ड से पूछते हैं। यहाँ होती है हमारी सारी क्लासेस। ये अपना रोबो भैया, पढ़ो लिखो अब, ऐसे तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, ऐसे गूगल में तुम्हारा प्लेसमेंट होगा। मैं तो कह रहा हूँ चलो लाइब्रेरी, तो तुमको आ रहा है। हाँ, 8 बजे हम, आठ बजे हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। अभी 7 बज रहा है, एक घंटा। अभी झूठ बोल दोगे कि देखिए हम लोग 8 बजे जाएंगे। देखना भाई 8 बजे जाओगे तुम तो, अभी आ गए हॉस्टल, सो जाओगे। बाय, 8 बजे लाइब्रेरी। शाम के 5 बज रहे हैं हमें हॉस्टल में, हम बना रहे मैगी इंडिया के जाने माने शेफ के साथ, अभिषेक सिंह के साथ, और उनका असिस्टेंट जूनियर सेफ भी है कौशिक मैती। इधर एक और जूनियर है सलाई, बस खाने के लिए उठेगा, अभी नहीं उठेगा। तो खा लिया। फिर खाएगा, देखना फ्री का मिलता है। हमारे पास देखो क्या क्या है, ये 5-6 मैगी का पैकेट और 2 है मैगी मसाला। मैगी बनाते बनाते कबीर सिंह का हम गाना सुन रहे हैं, यही सब देख कर कॉलेज में एडमिशन लिए थे, लेकिन यहाँ आके ऐसे दिन पार हो रहा है हमारा। कल अच्छा, हाँ कल हमारा एग्जाम भी है ना, एक लॉजिक वाला चीज दिखा रहा है। अभी टाइम देखा 6:24 हो रहा है ना, अभी तक हमने यूनिट खोला भी नहीं है। अब मैगी खा के बैठेंगे सीधा 8-9 बजे, उसके बाद 8-9 बजे भी नहीं, अभी जाके सिलेबस पता करेंगे, आधा घंटा टाइम, 1 घंटा सिलेबस पता करेंगे, 8-9 बज जाएगा, फिर खाना खाने जाएंगे, 10 बजे बैठेंगे, 10 से सुबह 4-5 बजे तक पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट, ऐसे हम बनेंगे इंजीनियर। मैं ऐसा सोचते हुए कि इंजीनियर लोग ऐसा करता क्यों है, लेकिन गलती इंजीनियरों का नहीं है। 4 महीना टाइम मिलता है एक सेमेस्टर में, उस 4 महीने में आपको 8-9 सब्जेक्ट मिलता है और 40 से ज्यादा एग्जाम होता है, कहाँ से बच्चा पढ़ पाएगा 6 महीना 1 साल। स्कूल में क्या होता है, साल में 2-3 एग्जाम होता था, लेकिन यहाँ टोटल एग्जाम अगर हमने एक बार काउंट किया था 45-46 आ रहा था, तो पॉसिबल नहीं है ना 4 महीना में 46 उतना एग्जाम दो और उसके बाद कंटिन्यू रोज पढ़ो। इसीलिए सबसे बेस्ट है एक रात पढ़ो, मस्त पास हो जाओगे। तो फिर हम बजाते हैं कबीर सिंह का गाना और बनाते मैगी। मतलब कैसे मैगी बनाया जाता है कि आप पानी ले लो, मैगी ले लो, सीक्रेट मसाला भी ले लो, ये रहा। अब क्या करना, सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। ये हमारा फिश ऑयल है, जब हम जिम जाते थे ना तो ये खाली डब्बा बचा हुआ था, तो इसमें घी डाल के, घी हम एक्चुअली बड़े डब्बे में डाल के लाए, यहाँ भी घी है, घी हमारा जम गया, बारिश हो रहा है ना 2-3 दिन से, बहुत मेहनत से घी निकाल लिया है। ये तो गजब महक रहा है भाई, गजब महक रहा है। गाना बंद कर दे नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। पहले डालते हैं मैगी। हम पता नहीं होगा कि नहीं, 5 पैकेट है हमारे पास मैगी, और 5 पैकेट एक केटल में बनता है कि नहीं मुश्किल है, देखते हैं। कच्चा भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्रोसेस, अब इसमें जो मैगी मसाला मिलता है ना, अब इसको ऐड करना है। इसमें 5 पैकेट है, 5 एक ही साथ काटते हैं। एडमिशन कराने में पहले हम बावर्ची थे सच में। खाना बनाना और खाना दोनों बहुत पसंद है। देखे तो 5 कट गया एक बार में। और आप अपार्टमेंट में रूम लोगे ना, किचन के लिए एक छोटा सा, ये हम टेबल पे बना रहे हैं ना, उसमें आपको छोटा सा एक ये मिल जाएगा स्लैब,
और कुछ डिफरेंस नहीं होता तो उसके लिए डबल पैसा। हमारा टेबल ही काफी है क्योंकि स्टडी तो हम टेबल पे कभी करते नहीं है। रूम मेरे ख्याल से सेम ही साइज रहता है, बस आपको एक किचन के लिए सलाह मिल जाता है। तो हमारा यही किचन का काम करता है क्योंकि हम तो कभी पढ़ते हैं नहीं इस पे, हम तो बेड पे ही पढ़ते हैं। मैगी बनाना स्टार्ट किया था तब हमारा रूम बहुत साफ था, लेकिन अब जो है बनाने के बाद दिखाएंगे कितना गंदा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम मिलाएंगे इसमें अपना हम सीक्रेट मसाला। क्या क्या सोच कर आए थे कॉलेज में, कबीर सिंह देख कर आए थे, क्या क्या जाने देख कर आए थे, लेकिन हालात ने बावर्ची बना के रख दिया। नंबर भी अच्छा नहीं आ रहा है, उसका अलग टेंशन है। 7-8 CGPA में आप लपेट के रह जाओगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 9.5 CGPA आ सकता है, जैसे वो 3 नंबर पे जो है ना उसका 9.6 CGPA है, तो उतना पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी भी पढ़ता जाएगा, देखो अभी भी पढ़ता है, रात को भी पढ़ता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है। छुट्टी रहे चाहे कुछ भी रहे, वो बेचारा 5 बजे ही उठता है और 10 बजे सोता है। बर्तन धोने का अलग टेंशन। हमारा केटल छोटा पड़ गया जैसे हमें लग रहा था, वैसा ही हुआ है। तो दाल हो गया, लग रहा खिचड़ी बन गया है भाई। दाल भात मसाला ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, मैगी हमारा में जो मैजिक मसाला था ना वही ज्यादा हो गया लग रहा है। अभी कच्चा है लेकिन केटल अभी भी बढ़ गया। खिचड़ी अभी कच्चा है। मैगी बनाने से पहले देखो कितना साफ था। अब देखो एक गलती हो गया, दिखा नहीं पाए कैसा बना था, थोड़ा सा बचा इसका देख लो। कैसा था? और अच्छा था। कैसा बर्बाद, हराम का खाएगा तो ऐसे ही लगेगा ना। कभी बनाओ एक दिन, धो देना खा पी के, यही दिक्कत होता है। ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनाना चाहिए, मेहनत ज्यादा आपको करना पड़ता है, तो खास करके जब ऐसा दोस्त रहे। तुम तो वही धोगे फिर भी धोगे, अच्छा होगा फिर भी खराब होगा। क्या अच्छा होगा, हम नहीं धोएंगे भाई। और हमारा एग्जाम में अब 12 घंटा बच गया है, हम अभी भी साला अभी तक स्टार्टिंग नहीं किए, अब टेंशन हो रहा है, अब जा रहे पढ़ने।